गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पोताना पूर्ण प्रकाशक काल में चाली रही है त्यारे मणिनगर श्री स्वामीनारायण गादी संस्थान द्वारा प्रस्तुत अने श्री राकेश पुजारा द्वारा निर्मित दिग्दर्शित फिल्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान नामनु गुजराती रंगीन चलचित्र बनावामां आव्युं छे, जे श्री स्वामीनारायण भगवानना जीवन चरित्र पर आधारित छे। आ फिल्मनी कथा श्री मुक्त जीवन स्वामी बापा पर आधारित छे। आ फिल्मना गीतनुं रिलीज़ मणिनगर स्वामीनारायण मंदिर खाते परम पूज्य आचार्य श्री जितेन्द्रिय दासजी स्वामी महाराजना करकमलथी करवामां आव्युं हतुं। अहेवाल अश्विन लिंबासिया, अमदावाद। आप श्री का सवाल बहुत सरस है। समग्र गुजरात में अमारी एवी महेच्छा है, समग्र गुजरात में आ पिक्चर देखाय अने अमारी लोको नागरिकों सारू ग्रहण करे अने नागरिकों सारू ग्रहण करीने सारा मार्गे वड़े अने सारू विचारे अने सारी रीते व्यसन मुक्ति बने एतदर्थे अमे आ स्वामीनारायण गादी संस्थान अमारू आ कार्य करी रहे। आ फिल्मनुं शूटिंग मणिनगर श्री स्वामीनारायण गादी संस्थान आद्य स्थापक श्री मुक्त जीवन स्वामी बापा कागटे धाम खेड़ा त्या श्री मुक्त जीवन स्वामी बापा फार्म है, ते फार्म नी अंदर राकेश भाई द्वारा ये गाम नुं सर्जन करवामां आव्युं अने 50 दिवस सुधी त्या आ फिल्मनुं शूटिंग चाल्युं अने ए फिल्मना शूटिंग में जे जे त्या त्या एक्टरो के जे जे कार्यक्रमो त्या रह्या एमने बधी सुविधा मणिनगर स्वामीनारायण गादी संस्थान तरफ थी तेमने आपवामां आवी हती। आजे भगवान पर सुना भगवान पर जे पिक्चर बनी रही छे एनी अंदर खास पिक आवे छे गादी की मत थी पिक्चर नो बजेट केटलो होतो? हां आ गादी संस्थान नो जे पिक्चर छे एने तैयार करवामां लगभग 102 करोड़ रुपया नो छे। अरे योगानो योग एवो बन्यो छे 20 તારીખે જ્યારે થઈ રહી છે કે 20 તારીખ એટલે કે વચરામૃત જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જે ગ્રંથ છે શ્રી ભગવાની છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે સંપ્રદાયને અને સમગ્ર સમાજને જે શ્રીમુખ વાણી વચનામૃત ગ્રંથ આપ્યો એની મૂળ તારીખ હતી 20/11 અને આજ 20/11ના દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણની દિવ્ય વાણી પ્રસ્તુત થઈ તો આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જ ગ્રંથ છે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ વતી વિચરતા એમની ગુરુ પરંપરાનો જ ગ્રંથ છે તો એ દિવસે એ બહાર પડે એવું અમારા આચાર્ય મહારાજશ્રી એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય. કેટલા કલાકારોએ સ્વામી હતું?